हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड प्रतीक तंवर फ्रॉम बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग एक ड्रामा डिस्कस कर रहे हैं, फ्रिट्ज कैरेंथी का लिखा हुआ है ये रिफंड। बहुत ही फनी ड्रामा है ये, एक बार हमने क्लासेस के अंदर इसको एक्ट भी किया था। और आइए मैं आज इसकी स्टोरी आपको बताता हूँ, क्या है इसका पूरा प्लॉट। तो फर्स्ट सीन के अंदर सबसे पहले सर्वेंट आता है और प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करता है कि एक 40 ईयर्स ओल्ड आदमी आया है जिसका नाम है वैसरकॉफ और वो आपसे मिलना चाहता है। ये बियर्ड वाला दाढ़ी वाला आदमी अंदर एंटर होता है और डिमांड करता है कि मेरे को मेरी पूरी फीस वापस चाहिए जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब की, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं सीखा यहाँ पे और मुझे कोई जॉब नहीं देता। प्रिंसिपल बड़ा सरप्राइज हो जाता है और उसको कहता है कि तुम वापस जाओ। वैसरकॉफ उसको थ्रेटन करता है, धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी फीस मुझे वापस नहीं दी तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जाऊंगा और कंप्लेन कर दूंगा। वो डिमांड करता है कि मेरा री एग्जाम करो वरना सर्कमस्टेंसेस के लिए तैयार रहो। प्रिंसिपल थोड़ा सा डर जाता है। सेकंड सीन में प्रिंसिपल एक मीटिंग बुलाता है अपने स्टाफ के साथ कंसल्ट करने के लिए। मैथमेटिक्स का टीचर, जो खुद बहुत बड़ा ट्रिक्स्टर है, बड़ा चलाक है, बड़ा कनिंग है, वो सजेस्ट करता है पूरे स्टाफ को कि हम लोग उसको ट्रिक करेंगे और हम उससे बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस पूछेंगे और वो जो भी जवाब देगा ना, वॉट एवर, चाहे वो जो भी आंसर दे, हम तो ये डिक्लेयर कर देंगे कि वो सही है। तो थर्ड सीन में री एग्जाम हो रहा है और वैसरकॉफ अंदर एंटर होता है पर वो किसी को भी ग्रीट नहीं करता, किसी को नमस्ते नहीं करता और बड़ा ही रूडली बिहेव करता है। पर जो कनिंग चालाक मैथमेटिक्स का मास्टर है वो उसको फेवर करता है, उसका पक्ष लेता है और कहता है कि मिडिवियल टाइम्स में, मध्यकालीन युग में, पुराने युग में टीचर्स और स्टूडेंट्स को इक्वल कंसीडर किया जाता था और इसको बड़ा नॉलेज है उस जमाने का भी, इसीलिए ये ऐसे मैनर्स दिखा रहा है। वैसरकॉफ उसके बाद इंसल्ट करता है हिस्ट्री टीचर को। जब हिस्ट्री टीचर उसको कहते हैं कि बेटा आप बैठ जाओ, वो कहता है मैं खड़ा रहूंगा। पर कनिंग मैथमेटिक्स टीचर फिर से उसको फेवर करता है और कहता है देखो कितनी अच्छी फिजिकल हेल्थ है और ये खड़ा ही रहना चाहता है, पूरा क्रेडिट जाता है हमारे स्पोर्ट्स टीचर को। आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर बात पे ये स्टूडेंट को बुद्धू बना रहा है। फिर हिस्ट्री टीचर उससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं और एक बड़ा ही स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर कोई वॉर, कोई लड़ाई, कोई युद्ध 30 साल चला तो वो कितने साल में खत्म हुआ। कैसा स्टूपिड क्वेश्चन है, पर वैसरकॉफ को भी तो गलत से गलत जवाब देना है। आपने नोटिस किया होगा कि यहां पे वो स्टूपिड से स्टूपिड सवाल पूछेंगे वैसरकॉफ को जिताने के लिए ये एग्जाम, और वैसरकॉफ यहां पर स्टूपिड से स्टूपिड जवाब देने की कोशिश कर रहा है ताकि वो ये एग्जाम हार जाए और उन लोगों से फीस की डिमांड करे। तो जब ये पूछा गया कि वो युद्ध कितने साल चला जो 30 साल में खत्म हुआ, तो वैसरकॉफ बिल्कुल स्टूपिडली कहता है 7 मीटर्स। हां, वो यहां पे यूनिट क्या बता रहा है, मीटर। बट हिस्ट्री टीचर कहता है कि नहीं तुम सही हो, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि वो कैसे सही है। तो यहां फिर से मैथमेटिक्स टीचर बीच में आता है और उसके इस रॉन्ग आंसर को भी आइंस्टीन की थ्योरी और क्वांटम थ्योरी के साथ जबरदस्ती रिलेट कर देता है और इसको जबरदस्ती साइंस के साथ इसका कनेक्शन बना के उसके गलत आंसर को भी कह देता है कि सही है। उसके बाद फिजिक्स का टेस्ट शुरू होता है और वैसरकॉफ जैसे ही फिजिक्स टीचर को देखता है तो उसको टीज करता है, उसको चिढ़ाता है और कहता है तुम तो कैनिबल हो, कैनिबल यानी आदमखोर, तुम हमेशा अपने नाखून खाते रहते थे, अपनी उंगलियां चबाते रहते थे, तुम तो कैनिबल हो। फिजिक्स टीचर अपना एंगर कंट्रोल करता है और उससे क्वेश्चन पूछता है कि जो चर्च की मीनार है, जो चर्च का स्टीपल है, क्या वो सच में छोटा होता है जब कोई व्यक्ति उससे दूर जाता है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। वैसरकॉफ फिजिक्स के टीचर को देखता है और बोलता है कि तुम गधे हो, यू आर अ डंकी। कैसा स्टूडेंट है, बाय गॉड ऐसा स्टूडेंट किसी को ना मिले। पर मैथमेटिक्स का टीचर फिजिक्स टीचर को काम डाउन करता है और उसको तो उसके गलत जवाबों को सही बताना ही है, तो वो कहता है आंसर बिल्कुल सही है और एक बड़ा स्टूपिड सा उसका एक्सप्लेनेशन देता है कि देखो डंकी हमेशा सैड रहता है क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूज रहता है,
क्योंकि उसको हमेशा इल्यूजन होता है, भ्रम होता है फार और नियर का। वो इसीलिए वो कहता है आंसर बिल्कुल सही है। और पूरा स्टाफ वासरकॉफ को ब्रिलियंट घोषित कर देता है, ये तो सबसे होशियार स्टूडेंट आया है आज। उसके बाद ज्योग्राफी का टीचर उससे पूछते हैं, ज्योग्राफी के टीचर उससे पूछते हैं कि उस सिटी का नाम क्या है जिसको नाम दिया गया वही सेम जो कि है कैपिटल ऑफ ब्रंसविक। तो वो रिप्लाई करता है कि आंसर है सेम। वो यहां सेम वर्ड का यूज करता है कि आंसर है सेम, और स्टाफ झूठे झूठे उस आंसर को भी राइट कर देता है, और इसी तरीके से उसके हर गलत आंसर को सही बता दिया जाता है। फाइनली मैथमेटिक्स का टीचर उससे पूछता है, उसको कहता है कि मैं तुमसे टू क्वेश्चंस पूछूंगा, ये तुम्हारा लास्ट एग्जाम हो, एक इजी और एक हार्ड। इजी क्वेश्चन के अंदर वो उससे एक बहुत ही लंबा और कंफ्यूजिंग मीनिंगलेस क्वेश्चन पूछता है जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसको लंबा लंबा खींचता जाता है क्वेश्चन को, और वासरकॉफ सुनता भी नहीं कि उसने क्या बोला, और बस ऐसे ही हवा में ही रिप्लाई कर देता है कि इसका आंसर है 2629 लीटर। पर मैथमेटिक्स का टीचर कहता है ये तुम्हारा आंसर एकदम गलत है। सारा स्टाफ सरप्राइज हो जाता है कि मैथमेटिक्स का टीचर तो इसको एग्जाम में जिता के ये कहना, ये साबित करना चाहता था कि इसको फीस नहीं देनी है, तो मैथमेटिक्स टीचर ने तो कह दिया कि आंसर गलत है। अब मैथमेटिक्स का टीचर उससे पूछता है, चलो बताओ तुम्हें कितनी फीस रिफंड होनी है। वासरकॉफ खुश हो जाता है, और वो एक लंबी कैलकुलेशन करने के बाद में शुरू से लेके नर्सरी से लेके ट्वेल्थ तक का टोटल हिसाब लगाता है और रिप्लाई करता है कि टोटल 6450 क्राउन्स और 50 हैलर्स। ये क्राउन्स और हैलर्स करेंसी है, तो वो ये आंसर देता है। अब मैथमेटिक्स का मास्टर जो बहुत ही कनिंग है, बहुत ही चलाक है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है माय डियर तुमने ये जो सेकंड वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसका एकदम राइट आंसर दिया है, तो तुम एग्जाम में पास हो गए हो और यहां से तुम्हें कोई फीस रिफंड नहीं होने वाली है। प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ उसको डिक्लेयर कर देता है कि तुम तो जीनियस हो, महान हो, और तुम पास हो गए हो। और इसी तरीके से सारे चालाक टीचर्स की इस गेम में जीत होती है और वो उसको स्कूल से बाहर थ्रो आउट करवा देते हैं। तो कितना फनी ड्रामा है ना यहां पे, जहां पे हर तरफ कंफ्यूजन है, हार कर भी जीतना चाहते हैं दोनों। इट वॉज रियली वेरी फनी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।